सो हेलो एंड वेलकम यू वोल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे BHEL और NHPC के बारे में, साथ ही हम एक स्प्लिट शेयर को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। BHEL की अगर बात की जाए तो स्टॉक में हमें गिरावट नज़र आई है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन स्टॉक काफ़ी हद तक गिरता हुआ नज़र आया। वही अगर देखें जिन लेवल्स पे हमें उम्मीद थी कि ये इन पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, उस लेवल पे ये सपोर्ट लेता हुआ नहीं दिख रहा, उन लेवल्स को ये ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कौन से लेवल हैं जिनके ऊपर ये सपोर्ट लेने वाला था बट नहीं ले पाया, तो लेवल भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें BHEL में लास्ट ट्रेडिंग सीजन 117.45 रुपये पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी। 7.75 रुपये के अराउंड अगर आप देखते हो तो शेयर में हमें गिरावट भी नज़र आती है 6.19% के बेसिस पे। वहीं अगर हम देखें पिछले 5 दिन में स्टॉक यहाँ पर 14.15 रुपये तक गिर गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये गिरावट जल्द ही ख़त्म हो और ये शेयर अगेन एक अच्छी रिकवरी बताए। तो हम वेट कर रहे हैं स्टॉक में क्या होता है, आगे पता चलेगा। बड़े जो ख़ास गिरावट है, ये गिरावट 17 अक्टूबर के बाद ही नज़र आती है। 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक शेयर जो है 15 रुपये तक गिर गया। इसके लेवल्स को हम अभी देखते हैं कि इसके लेवल्स में हमें क्या नज़र आता है। लेवल्स की अगर बात की जाए तो ये शेयर आप देखोगे जो लेवल हमने डिस्कस किए थे उन लेवल से सस्टेन करता हुआ धीरे 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 डाउनसाइड की ओर आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात कर ले 20 तारीख की या फिर हम बात करें 19 तारीख की, तो शेयर बिल्कुल जो प्रीवियस जो लेवल हमने डिस्कस किए थे उन लेवल से कंटिन्यू गिरावट बताता हुआ नज़र आ रहा है। 19 तारीख के दिन यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था हमारा, उस पर्टिकुलर रेंज पे सपोर्ट लेने के बाद ये जो शेयर है ऊपर की ओर गया। ऊपर से यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स इसने रिजेक्शन लिए और रिजेक्शन लेने के बाद स्टॉक यहाँ से अगेन गिरता हुआ नज़र आया। गिर के स्टॉक सीधा डाउनसाइड की ओर आता है और यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद शेयर सीधा डाउनसाइड की ओर आता है और यहाँ पर थोड़ा एक कंसोलिडेट करता है, साइडवेज रहता है और उसके बाद अगेन डाउनसाइड की ओर आया। यहाँ से भी ब्रेकडाउन आप देख सकते हो, ब्रेकडाउन के बाद अगेन सस्टेन करके डाउनसाइड की ओर आ रहा है, फिर अगेन इस लेवल को ब्रेक करते से ही डाउनसाइड की ओर आ रहा है। तो मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखते हो तो ये शेयर कंटिन्यू गिर रहा है। तो गिरावट के बाद ये जो शेयर है यहाँ पर हमें उम्मीद थी कि ये जो लेवल है इसको ब्रेक करने के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं 118.95 रुपये पे सपोर्ट लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसने 118 रुपये के लेवल को भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर 118 रुपये का लेवल क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऊपर की जो ट्रेड लाइन्स है ये हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो एक चीज़ मैंने पहले भी क्लियर की थी कि यहाँ पर स्टॉक में एक रेंज क्रिएट हो रही है। रेंज में ऊपर से रिजेक्शन है, डाउनसाइड की ओर से सपोर्ट है। इसी रेंज के अंदर ये जो शेयर है काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, काफ़ी टाइम से यहाँ पर ये शेयर फंसा हुआ है और इस रेंज को ब्रेक करने के बाद शेयर अच्छे रिटर्न दे, या तो ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो अच्छे रिटर्न मिलेंगे, बट वही डाउनसाइड की ओर ब्रेक करता है तो काफ़ी बड़ा फॉल आएगा। एग्जैक्टली हमें फॉल देखने को मिलता है। स्टॉक ने यहाँ पर 122 रुपये के राउंड का जो ये लेवल था, इस लेवल को इसने यहाँ पर ब्रेक किया और ब्रेक करते से ही आप देख सकते हो स्टॉक कंटिन्यू डाउनसाइड की ओर आ रहा है। और जो 118 रुपये का लेवल है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ब्रेक किया है तो कंटिन्यू गिरेगा। कुछ चीज़ें हमें बड़े टाइम फ्रेम पर समझनी होगी, बड़े टाइम फ्रेम पर ही ये लेवल हमें समझ में आते हैं। तो हम 1 वीक 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि 118 रुपये का लेवल हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 118 रुपये के लेवल से ये शेयर पहले भी गिर चुका है। 118 रुपये के लेवल से पहले भी हमें गिरावट देखने को मिलती है। इस पर्टिकुलर रेंज से गिरने के बाद शेयर सीधा डाउनसाइड की ओर आता है। इस पर्टिकुलर लेवल पे स्टॉक पहले आप देखो सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और जब इसने यहाँ से गिरावट बताई स्टॉक ने सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया। ऊपर की ओर जाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ऊपर जाता है
और यहाँ पर ये 118 रुपये के लेवल पे सस्टेन करके अगेन ऊपर की ओर जा सकता है, अगेन अच्छे रिटर्न हमें देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो 118 रुपये के लेवल पे यहाँ पर अगर ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर सस्टेन कर जाता है तो शेयर में आने वाले टाइम में जो टारगेट होंगे वो 200 रुपये के होंगे। तो यहाँ पर गिरावट के पीछे और एक बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, और गिरता है यहाँ पर एक गिरावट अच्छी है हम ये कह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में अगर हम देखें तो एक प्रॉपर फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न क्रिएट हो रहा था काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से स्टॉक में गिरावट है आप देख सकते हो, डाउन साइड की ओर से भी शेयर में सपोर्ट हमें नज़र आते हैं, तो एक प्रॉपर फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न यहाँ पर शेयर में नज़र आ जाता है। और इसी फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न के साथ साथ स्टॉक में अगर देखिए एक ब्रेकआउट मिला है, और ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करके ये जो शेयर है सीधा ऊपर की ओर जा सकता है और 360 रुपीज़ के अराउंड तक के रिटर्न भी ये शेयर दे सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। अगर गिरावट आ रही है तो गिरावट यहाँ पर अच्छी है, और वही अगर हम बात करें तो NHPC की बात कर लेते हैं, 50 रुपये 50 पैसे पे लास्ट ट्रेडिंग सीजन शेयर ने क्लोजिंग हमें दी है, और 1 रुपये के अराउंड अगर आप देखते हो तो स्टॉक में यहाँ पर गिरावट नज़र आती है। यहाँ पे कल की बात अगर मैं करूँ तो 1 बजे के बाद इसने थोड़ी बहुत रिकवरी बताई थी, 1 रुपये तक की रिकवरी इसने बता दी थी 1:35 से लेके 3 बजे तक, बट 3 बजे के बाद अगेन गिरना स्टार्ट हुआ और 65 पैसे तक की गिरावट बता दी। 1 रुपये की ओवरऑल गिरावट हमें नज़र आती है, 5 दिन में 2 रुपये 20 पैसे भी ये शेयर गिर चुका है, तो यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है पिछले कई टाइम से। लेवल इम्पॉर्टेंट है तो लेवल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो NHPC को यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। NHPC की अगर हम बात कर ले तो पहले हम डिस्कस करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें क्या नज़र आता है। तो जो लेवल हमने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक रेंज है, या तो इस रेंज के ऊपर सपोर्ट लेगा या फिर इस रेंज को ब्रेक करेगा, एग्जैक्टली यहाँ पर ये इस रेंज को ब्रेक करता हुआ नज़र आता है, और ब्रेक करते से ही स्टॉक में यहाँ पर अगर देखें गिरावट नज़र आती है, गिरते हुए स्टॉक अगेन ऊपर की ओर गया और इस पर्टिकुलर रेंज से सस्टेन करके सीधा ये जो शेयर है ये डाउनसाइड की ओर आ सकता है। तो यहाँ पर ये जो लेवल है हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो शेयर ने इस पर्टिकुलर रेंज पे कई बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिए हैं, ऊपर से रिजेक्शन लेवल भी है, तो एक रेंज क्रिएट की, एक अपसाइड डाउन मोमेंटम यहाँ पर बने और इस रेंज का ब्रेकडाउन आया और सस्टेन करके सीधा डाउनसाइड की ओर आ रहा है, और यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का भी ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर नीचे की ओर 50 रुपीज़ के अराउंड का लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो गिरावट जो है कंटिन्यू रह सकती है, बट वही अगर ये शेयर सपोर्ट ले लेता है जो फिर यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है, बट यहाँ पर हाईली चांसेस लग रहा है कि ये शेयर डाउनसाइड की ओर आ सकता है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी आपको फोकस करना है। बारी आती है BCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, एक स्प्लिट शेयर है, 501 रुपये के राउंड तक अगर आप देखते हो क्लोजिंग है, 19 रुपये 90 पैसे ये भी गिरा है। शेयर की अगर हम बात कर लें तो कंपनी दे रही है 10:1 का स्प्लिट, यानी एक शेयर जो है वो 10 शेयर में टूटने वाला है। 27 अक्टूबर 2023 से पहले बाय करते हो तो बिल्कुल आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। सो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन शेयर्स का एनालिसिस भी करना। थैंक यू।